इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदमा है। इल्मी दानिश्वर, इस्लामिक स्कॉलर खलीलुर रहमान मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से मुलाकात करने का शर्फ हमें हासिल हुआ है, लिहाजा हम बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वैसे भी काफ़ी वक्त हो चुका है, लिहाजा मौजूदा हालात पर जिस तरह से हमने कल भी आपके बयान सुने कि एक तरह की कहीं तो भी मायूसी की एक झलक नज़र आती है। ये जो उम्मत माइनस में जा रही है जहाँ, तो उसको किस तरह से एक नफ़ी की तरफ लाया जाए, यानी कि जैसा आपने मुनसब मुसबत जो पहलू बताया था उस तरह से। देखिए, कौमों पर हालात हमेशा आते हैं, ये कोई नई बात नहीं, और हालात हमेशा एक से नहीं रहते, अफराद पर भी और कौमों पर भी। ये है मौजू तरबियत का। कौमों की तरबियत इस तरह होनी चाहिए, हमारी कौम की इस वक्त ऐसी रहबरी की ज़रूरत है कि वो इन हालात को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको फेस कर सके। और याद रखें, चैलेंजेस ही कौमों की उरूज का सबब बनते हैं। हमेशा आप पूरी तारीख उठा के देखिए, जापान न्यूक्लियर अटैक से पहले दुनिया में जाना ही नहीं जाता था, कोई नहीं जानता था जापान को। न्यूक्लियर अटैक हुआ और तबाह हो गया जापान, लेकिन जापान की खुशकिस्मती थी कि जापान को एक विजनरी लीडरशिप मिली हुई थी। जापान का जो बादशाह था, एम्पायर उस वक्त, उसने कौम को अपने टूटे फूटे रेडियो स्टेशन से एड्रेस किया न्यूक्लियर एड्रेस हमले के बाद, और उस खिताब में जापान के बादशाह ने कौम से ये कहा, मैं दो जुमले कोट करता हूँ, आज हम ये अहद करते हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, और आज हम ये अहद करते हैं कि हम अपनी मेहनत और कौमी तरक्की के लिए जद्दोजहद कई गुना बढ़ा देंगे। रोशन मुस्तकबिल मेरी प्यारी जापानी कौम के लोगों, तुम्हारे कदम चूमेगा, मेरी इन दो बातों का ख्याल रखना। लेट्स इट, इतना मुख्तसर सा खिताब था। जापानी कौम ने लबैक कहा, और जापानी कौम ने ये कहा कि हम सर्विस करेंगे 12 घंटे, 8 घंटे की तनख्वाह लेंगे, 4 घंटे कौम को देंगे, 4 घंटे की तनख्वाह नहीं लेंगे। ये है वजह कि जापान की इकनॉमी दुनिया में नंबर एक पर चली गई। जर्मन कौम जंग अजीम में तबाह हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। मशरक़ी और मगरबी जर्मनी दो हिस्सों में टुकड़ों में उसे बांट दिया गया। उसके बाद जर्मन कौम ने भी फैसला किया, हमें हिम्मत नहीं हारना, वी शुड नॉट गिव अप, हमें अपने स्ट्रगल को जारी रखना है। आज देख लीजिए, दुनिया की मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कौम आज भी जर्मन मानी जाती है। जिस प्रोडक्ट पर लिखा है मेड इन जर्मनी, ये उसकी मजबूती की गारंटी होती है। तो लीडरशिप, सही लीडरशिप फराहम करें और कौम रिस्पॉन्ड करें। कौम खाली तमाशा ही न बने, तालियां न बजाए, बयान न सुने। कौम एक एक लफ्ज़ को उस तरह ले जिस तरह ज़िंदा कौमें लेती हैं। तो यही जो चैलेंजेस इस वक्त हैं, इंशाल्लाह यही हमारी नशते सानिया का सबब बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि भारत में भी और दुनिया में भी इस्लाम और असली इस्लाम पर अमल करने वाले मुसलमानों का इंतहाई रोशन मुस्तकबिल है। नहीं यकीन, लेकिन एक आजमाइश से तो गुजरना पड़ेगा। जैसा कि जिस तरह से भारत के अंदर मुसलमान 10-20 साल बहुत टेस्टिंग है जी, और ये भी याद रखिए, हर फतेह से पहले छटाई होती है। ये इस वक्त छटाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। याद रखिए, कौन कमिटेड मुसलमान है, कौन वतन का असली वफादार है,
कौन वाकई गरीबों की गुर्बत को दूर करना चाहता है, कौन गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है, ऐसे लोगों को अब खुदा छांट रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा से भी आप जुड़े हुए हैं, हमने अक्सर देखा बावन में श्रम की भी प्रोग्राम्स कई सारे, अक्सर ये इसमें जो है मुसलमान ही ज़्यादा सुनने को आते हैं, लीडर स्टेज पे रहते हैं, उनकी आवाम क्यों नहीं आती? हम 70 साल की गुलामी में इस हद तक पहुँच गए, वो 3000 साल के गुलाम हैं। आप सोचिए, अगर 70 साल की गुलामी ने हमको इस कदर बिखरा दिया, मुंतशिर कर दिया, पस्त हिम्मत कर दिया, तो 3000 साल के गुलाम कौमों का क्या हाल होगा? दूसरी बात यह कि मुसलमानों के अंदर कमज़ोरियों के बावजूद बड़ी खूबियाँ हैं। मुसलमान इनकलाबी कौम है, मुसलमानों के खून में इनकलाबी जज्बात हैं। आज़ादी की लड़ाई क्यों कामयाब हुई? इसलिए कि मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। तो मुसलमान हमेशा आगे ही रहेंगे, आप मुतमईन रहिए। हाँ, हमें हमारी ख्वाहिश है कि दूसरे मजलूम तबकात भी आगे आएँ, लेकिन उनको भी हौसला दिलाने में हमको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्र अदा करता हूँ भारत के जो मजलूम तबकात हैं, वो चाहे सिख हों, चाहे लिंगायत हों, और चाहे वो SC ST के लोग हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, ये सब सज्जाद नुमानी से बहुत मोहब्बत करते हैं। और मेरी कौम मेरी जितनी बात सुनती है उससे कुछ कम वो लोग भी मेरी बात नहीं सुनते, ये चीज़ मुझे बहुत उम्मीद दिलाती है। बहुत आखिरी सवाल, वक्त हो चुका है आपका, कि मुझे रहजनों से गला नहीं तेरे रहबरी पे सवाल है, तो ये उलमा खराम घुमा फिरा कर बात आती है, लोग पसंद नहीं करती इस बात को, लेकिन ये हकीकत है। सारी दुनिया की उम्मीदें से उलमा से क्यों वापस थे? क्योंकि रहबर है वहाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई शिकवा नहीं करते, क्यों शिकवा नहीं करते? आज तक मैंने नहीं सुना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक साइंटिस्ट को नहीं पैदा किया, एक आज़ाद ख्याल इकोनॉमिक सिस्टम मुरतब करने वाला और मौजूदा इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर तनकीद करने वाला क्यों एक माहिर इक्तसादियात नहीं पैदा किया? आप जामिया मिल्लिया से कोई शिकायत करते? ये क्या बात है? ये तो आप तस्लीम करते हैं कि बाकी सब निकम्मे हैं, सिर्फ उलमा ही हैं काम के, ये तो आप इनडायरेक्टली ये मानते हैं। सारी चीज़ें उलमा करें, यानी सियासियात भी उलमा करें, माशियात भी उलमा करें, गरीबी भी उलमा दूर करें, जहालत भी उलमा दूर करें, नमाज भी पढ़ाएं, निकाह भी पढ़ाएं और जनाजा भी पढ़ाएं, सब काम उलमा ही। भाई कुछ काम आप लोग भी तो करो ना भाई, ये वाकई मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ। दूसरे तबकात हमारे क्या कर रहे हैं? वो IAS बन के अपना कुत्ते पाल रहे हैं, कम्यूनिटी से दूर जा रहे हैं, अलग पहुँच लोकेलिटी में रहते हैं, उनका पब्लिक से कितना ताल्लुक़ है, गरीब आवाम से कितना ताल्लुक़। तो देखो, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, और सिर्फ एक सेक्शन को ब्लेम करना गलत, ये मैं समझता हूँ ज़रा इंसाफ के ख़िलाफ़। नहीं, लीडर्स हो फिर, या तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसिस में IAS IPS जैसा आपने कहा कि उम्मीद से देखते हैं, लेकिन उनको कौम रिटायर्ड होने के बाद ही याद आती है। हाँ, अब ये तो आप खुद कह रहे हैं, मैं तो कुछ कमेंट नहीं करता इसके ऊपर। मतलब तरबियत की कमी के क्या है? उनको कौम रिटायरमेंट के बाद याद आती है, ये आपका जुमला है। मैं तो इसको वजह क्या हो सकती है आप खुद समझ सकते हैं। जी, जो मौजूदा उन्होंने जो कुछ पढ़ा है वो अपने कैरियर के लिए पढ़ा है, वो खिदमत के लिए पढ़ा ही नहीं, सिर्फ अपने कैरियर बनाने के लिए उन्होंने जो भी डिग्री ली है अपने कैरियर बनाने के लिए ली। उन्होंने कौम की खिदमत की नियत ही नहीं की तो उनको तो खुदा ने तौफीक ही नहीं दी। जिस तरह से गोदी मीडिया का ना एक लफ्ज़ ईजाद हुआ है, आखिरी मीडिया के ताल्लुक से कही है बस। अब तो वो बात तबसरे से बाहर है, अब खुदा का शुक्र है YouTube चैनल और सोशल मीडिया वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है, हमें गोदी मीडिया की ज़रूरत ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवाल का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि जिस कोशिशें जो जद्दोजहद वो कर रहे हैं, अल्लाह इनकी कोशिशों को कामयाब करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।